तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चे, इसके पहले जो चैप्टर था हमारा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बच्चे हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी वर्क्स ऑन देयर ओन, मतलब कैसे अलग अलग सिस्टम हमारी बॉडी का, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग सिस्टम्स बॉडी के, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, चार सिस्टम हमने पढ़े लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देखा कि ये सब अलग अलग कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में वो कौन से सिस्टम है जो जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। वो कौन से सिस्टम है हमारी बॉडी में जो बॉडी के सारे सिस्टम्स को एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी के पूरी बॉडी के सारे सिस्टम्स आपस में मिलजुल कर काम कर सके। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने देखा था कि अलग अलग सिस्टम कैसे काम करता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम अलग पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमने अलग अलग सिस्टम पढ़े लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये सारे सिस्टम आपस में मिलके कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए आपस में, सारे सिस्टम आपस में मिलके काम करें। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में वो कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन से सिस्टम्स हैं जो बॉडी के सारे सिस्टम को आपस में मिलजुल के काम करने के लायक बनाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक सिंक्रोनाइजेशन होना, जिसके थ्रू वो एज अ होल परफॉर्म कर सके सारे फंक्शंस। लिख लेते हैं कि चैप्टर का क्या मतलब है, इसका जो हेडिंग है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका क्या मतलब है। इट मींस सिंक्रोनाइजेशन, between different synchronization between different body parts to function as a whole in harmony to sustain life. लिख लो बच्चे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स आपस में मिलके काम करें, जिसके थ्रू हमारी बॉडी एज अ होल काम कर सके, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं और सस्टेन करते हैं। डेफिनेशन में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे सारे सिस्टम बॉडी के कैसे काम करते हैं। किसी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो
बताओ, नहीं तो मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। देखो एनिमल्स में अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में सारे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमंस में सारे सिस्टम्स को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने के लिए हमारी बॉडी के सारे सिस्टम मिलजुल कर काम करें, इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम है। तो ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ टू सिस्टम्स एंड दीज टू सिस्टम्स आर फर्स्ट वन इज आवर नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दीज टू सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आवर बॉडी टू फंक्शन एज अ होल। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम प्रेजेंट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स, सारे फंक्शंस एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। सारे अलग अलग सिस्टम्स को हमारी बॉडी में एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करने के लिए ये दो सिस्टम है हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमंस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है पूरी बॉडी एज अ होल काम करे, इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम एक एक करके, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है बच्चे, नर्वस सिस्टम पढ़ना है और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में दो सिस्टम पढ़ने हैं ह्यूमंस में, और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज देयर इन आवर बॉडी एंड दीज टू आर, फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में दो तरह का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एक, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं CNS और ये है PNS। CNS एंड PNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से। सो दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है
क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की हेल्प से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स की हेल्प से। नोट करो बच्चे, नोट करो इतना। सम्यक का क्वेश्चन है कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स ये होता क्या है। अगर मैं बेटा सम्यक को जो हेड है यहां से काटूं, अगर है ना ऐसे उड़ा दूं, ऊपर से देखूंगा तो गोल दिखेगा, ठीक है। हेड को ऐसे काटूं यहां से तो ऊपर से गोल दिखेगा, ध्यान दो इधर। ये मैंने सम्यक की खोपड़ी को ऊपर से उड़ा दिया है, ठीक है, यहां से। अब इसके बाद यहां से काटने के बाद ये ऊपर से हम देख रहे हैं इसको, ये गोल दिख रहा है। इसमें बच्चे हमें ऐसा दिखता है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हमारे ब्रेन में हमारे हेड रीजन में हमें, आप नर्व्स तो जानते हो, नर्व्स न्यूरॉन, हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन की भी इस चैप्टर में, लेकिन आपको पता होगा जरूर कि न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल सबको पता है, ठीक है। अब देखो हमें ऐसा दिखता है बच्चे कि ये एक न्यूरॉन बनाया और एक ये बनाया, ये मैंने दो न्यूरॉन ऐसे निकाल दिए नर्व, ये दो नर्व सेल है, ये वन पेयर ऑफ नर्व सेल है। इसी तरह से और भी पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे हमारे हेड में जो नर्व्स की पेयर्स निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, इनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। तो ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये क्रेनियल नर्व्स, हमारे ब्रेन में जो नर्व्स निकली हुई है, टोटल 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। और अगर हम ब्रेन जो है ब्रेन अगर हम इसके आगे जाते हैं नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड आएगा, तो इसी के नीचे आगे हमें मिलता है स्पाइनल कॉर्ड, कुछ इस तरह से आपको शो कर रहा हूं, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं बच्चे, आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूं बस। तो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हमें बच्चे ऐसे नर्व्स, यहां से भी पेयर्स में नर्व्स निकलती हैं, न्यूरॉन्स निकलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स के टोटल हमारे पास 31 पेयर्स होते हैं। तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की हेल्प से काम करता है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम बच्चे अपने 10th के सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमें मेनली पढ़ना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी हम करेंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम नहीं पढ़ेंगे, ये भी जो लिखा हुआ है ये भी आपको सीबीएसई में एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाएगा, किसी ओलंपियाड में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि क्रेनियल नर्व के कितने पेयर हैं या स्पाइनल नर्व के कितने पेयर हैं या एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा कौन सा होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसका नाम है। तो इधर वाला जो सेक्शन है इसको हम 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ये हमें ओलंपियाड में आ सकता है, ठीक है। उसमें उसके लिए आपको सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं। किसी पे कुछ डाउट है यहां तक तो पूछो बच्चे, किसी पे कुछ डाउट है तो पूछो। जल्दी पूछो, कुछ डाउट है तो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आप देखो बच्चे एक बार आपको बताता हूं, ध्यान से देखो,
हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम आपस में मिलके कैसे काम करते हैं। तो मैंने बताया कि ह्यूमंस में हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सारे सिस्टम को आपस में काम करवाने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम प्रेजेंट है, एक नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। सिस्टम दो तरह का है हमारी बॉडी में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है जैसा कि नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो हमारा बॉडी का सेंटर है, जो हमारी बॉडी का सेंटर है, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो सेंटर है, जो हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारा डेंस स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स का, तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा है। तो हमारा नर्वस सिस्टम एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है कि सेंट्रल से जो चीजें एक्सटेंड हुई हो, बाहर को निकली हो, वो पेरिफेरल। तो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स निकली हुई हैं ब्रेन में, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। मैंने आपको बताया कि हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी हम मेनली करेंगे। तो हमने देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से होता है। उसके अंदर में हमने देखा कि नर्वस सिस्टम दो तरह का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से, और सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है नर्व के हेल्प से, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, तो हमारी बॉडी में जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, हमने सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। वहां पे हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाज और बहुत सारे ग्लैंड्स हमने, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स हमने वहां पे पढ़े लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड मिलके बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ऑल द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में आते हैं ग्लैंड्स, इसके अंडर में आते हैं बच्चे एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड मिलके बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन मेनली इस चैप्टर में बच्चे हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। अगर इतना कंप्लीट हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, तो हमें ह्यूमंस में बच्चे मेनली क्या पढ़ना है, हमें मेनली पढ़ना है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमें ये तीन चीजें पढ़नी है, बाकी जितना इस चार्ट में लिखा है वो सब आपको कहीं ना कहीं यूज आएगा। अगर इतना कंप्लीट है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन से, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे ब्रेन से। तो सबको पता है कि ये जो ब्रेन है, ये हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मैक्सिमम जितने भी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ये ब्रेन के एक्शन के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। ब्रेन इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ये अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज दी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है।
सब चीजों को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने के लिए ये हेल्प करता है ब्रेन। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल बहुत सारे होते हैं। अराउंड 86 बिलियन एडल्ट ह्यूमन में न्यूरॉन्स हमें मिलते हैं, 100 बिलियन भी कुछ बुक्स में दिया होता है, हम 100 बिलियन लिख लेते हैं। एक पॉइंट लिख देता हूं, इट कंसिस्ट अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स, अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। इतने सारे न्यूरॉन है, इसीलिए बहुत तेज बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, ब्रेन का जो वेट है, वेट इट वेज अबाउट 1.5 किलोग्राम इन मेल्स एंड 1.25 किलोग्राम इन फीमेल्स। तो इसका जो भार है, इसका जो वजन है, वो 1.5 किलो है अराउंड, 1.5 किलोग्राम है मेल्स में और 1.25 ग्राम है, 25 किलोग्राम है फीमेल्स में। तो फीमेल्स में जो ब्रेन का वेट है वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिमाग कम होता है। दिमाग तो जैसा शार्पनेस होती है वैसा काम करता है। ठीक है, सिर्फ वेट कम है, दिमाग हो सकता है कि मेल्स से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वेट कम है तो बुद्धू होती लड़कियां, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वेट है ब्रेन का, न्यूरॉन्स की बात होगी। तो ब्रेन के बारे में थोड़ा सा आपको जनरल ये बताया, देखते हैं, आ जाते हैं बच्चे ब्रेन के स्ट्रक्चर पे। ब्रेन के स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हमारे ब्रेन में बच्चे ब्रेन में जो आउटर कवरिंग है, जो बोनी कवरिंग है हमारे ब्रेन की, जो बोनी स्ट्रक्चर जिससे प्रोटेक्टेड है हमारा ब्रेन, इसको हम बोलते हैं स्कल। इसको हम बोलते हैं हमारा स्कल है। तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें लिख रहा हूं स्कल। स्कल क्या है कि ये एक बोनी, बोन की बनी हुई प्रोटेक्टिव कवरिंग है। बोनी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। इसको हम बोलते हैं बच्चे क्रेनियम, ऑल्सो टर्म्ड एज क्रेनियम। क्रेनियम बोलते हैं इसको। तो एक बोनी कवरिंग है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इतना हो गया है। इसके बाद अभी हम बेटा ब्रेन का डायग्राम देखेंगे। इसके पहले आपको बताता हूं बच्चे, देखो ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा, मान लेते हैं कि ये ब्रेन है और इसमें इसमें हमारी ये जो मैंने आउटर लाइन बनाई है, आप समझ लो कि ये हमारा क्रेनियम है। ये हमारा
ये हमारा क्रेनियम है, मतलब कि यही वो बोनी कवरिंग है, ठीक है बच्चे। इस बोनी कवरिंग के अंदर, इस बोनी कवरिंग के इनसाइड हमें थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू मिलती है, और इन तीनों लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस, इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। यहां पे हमें टिश्यू की तीन लेयर्स मिलती हैं, और इन तीनों लेयर्स को हम साथ में मिला के बोलते हैं मेनिंजेस। तो सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, सेकंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है, मैं सेकंड लिख रहा हूं पॉइंट मेनिंजेस। मेनिंजेस मैंने बताया क्या होता है, तीन टिश्यू की लेयर्स है, थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू, थ्री लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, थ्री लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो हमें स्कल के क्रेनियम के जस्ट नीचे तीन लेयर्स मिलती हैं, इनको हमने तीनों को एक साथ हमने नाम दिया है मेनिंजेस बोलते हैं। इनके नाम होते हैं इनसाइड सबसे अंदर वाली पाया मैटर, सेकंड है ड्यूरा मैटर, एंड थर्ड वन इज एरेक्नोइड, थर्ड वन इज एरेक्नोइड, ARACHNOID, एरेक्नोइड। ये तीन लेयर्स होती हैं मेनिंजेस, यहां पे भी लिख लेते हैं नीचे तीनों के नाम, बच्चे लिख लेना यहां पे तो ये तीन टिश्यूज की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। इतना हो गया, किसी कोई डाउट है तो पूछो। तो जो मेनिंजेस है ना, हमारे जो वेट है बच्चे, ब्रेन का जो वेट है वो 1.5 केजी है अराउंड, मेल्स में, फीमेल्स में भी 1 किलोग्राम से ऊपर है, लेकिन हमें ऐसा फील नहीं होता कि हमारा जो ब्रेन है तो ब्रेन में इतना ज्यादा वेट है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो मेनिंजेस हैं ब्रेन के चारों तरफ, जो प्रोटेक्टिव लेयर है टिश्यू की, उस टिश्यू के लेयर्स के बीच में एक फ्लूड फिल होता है, वहां पे फिल्ड होता है एक फ्लूड। तो मैं थर्ड पॉइंट पे लिख रहा हूं इसकल उधर ही स्ट्रक्चर के अंदर में बच्चे थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, इसको हम बोलते हैं CSF। यह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। अभी मैं जो डायग्राम बना रहा हूं इसको आप बनाएंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। बच्चे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लेते हैं कि ये अगर हमारा ब्रेन है, तो मैंने बताया कि ब्रेन में आउटर मोस्ट, मैंने बताया ब्रेन में आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो हमारा क्रेनियम है, हमारा स्कल है। स्कल के अंदर मैंने बताया टिश्यू की थ्री लेयर्स मिलती हैं, मैंने बताया कि ये थ्री लेयर्स है टिश्यूज की, इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। ये जो तीनों लेयर्स है टिश्यू की, इनके बीच में एक फ्लूड फिल होता है जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। ये जो CSF है तो ये फ्लूड है। अब अगर हमारा जो ब्रेन है, ये जो हमारा ब्रेन है इसके चारों तरफ फ्लूड भरा हुआ है, इसके चारों तरफ फ्लूड भरा हुआ है, तो ये जो CSF है फ्लूड है, ये ब्रेन को ब्योंसी फोर्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमें ये भारी नहीं लगता कि
ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसे इधर को देखा तो इधर को गिर गए, इधर गिर गए, ऐसा नहीं हो रहा है, सीधे स्ट्रेट है, क्योंकि जो वेट है उसको ब्योंसी फोर्स मिल रहा है, सीएसएफ एक ब्योंड फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को, जिसकी वजह से उसका इतना वेट हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सीएसएफ है इसका काम है कि जैसा कि ब्रेन के चारों तरफ ये फील्ड है फ्लूड, ब्रेन के चारों तरफ ये फ्लूड फील्ड है, तो ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम कर रहा है, कोई इंजरी होती है तो उससे हमें ये बचाता है, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड कहां पे होता है, मेनिंजेस के बीच में फिल होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, फ्लूड फिल्ड बिटवीन मेनिंजेस, मेनिंजेस के बीच में जो फ्लूड फील्ड है वो है हमारा सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। ओलंपियाड का अच्छा क्वेश्चन है, आपको फुल फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म सीएसएफ का पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फ्लूड फील्ड है मेनिंजेस के बीच में, इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स ब्योयांसी टू द ब्रेन, ब्रेन को ये ब्योयांसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि सीएसएफ जो है वो हमारे ब्रेन को बियॉन्ड फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन के वेट को तो हल्का कर ही रहा है सीएसएफ, इसके साथ हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर ये काम करता है, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है, ठीक है। इतना कंप्लीट करो बच्चे, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, हो गया। तो अभी हम ब्रेन का, बच्चे ब्रेन का हम आउटर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि ब्रेन में हमारे आउटर जो कवरिंग है स्कल है हमारा क्रेनियम, उसके अंदर फिर मेनिंजेस है, और मेनिंजेस के बीच में भरा हुआ है सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट ब्रेन पे, हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे। हेडिंग लिखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो हमारे ब्रेन के मेनली, ब्रेन को हमने मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ब्रेन is divided into three, brain is divided into three parts. First one is forebrain में हमारे पास, ठीक है, अभी मैं सिर्फ पार्ट्स लिख पाता हूँ, फिर आगे हम एक एक को स्टडी करेंगे। फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, एंड लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के मेनली थ्री पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। इतना कंप्लीट। अब पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्रेन का डायग्राम देखेंगे बच्चे,
फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाया था तब बेटा मैंने बताया था कि हार्ट वाला जो डायग्राम है वो जल्दी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेन वाला डायग्राम है ना, ये कभी कभी बोर्ड्स में हमारे क्वेश्चन आ जाता है ब्रेन का डायग्राम बनाने के लिए। तो बहुत टफ नहीं है, इजी है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बनाना है। ठीक है, ये तो लिख लिया होगा सबने, इतना हो गया है। तो आ जाते हैं ब्रेन के थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, रब कर रहा हूं बच्चे, इतना तो हो गया होगा सबका, ये शायद पहले से भी पता था। ठीक है, आपको ध्यान से देखेंगे, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे बेटा, छोटा डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैं ड्रॉ करूंगा उसी तरह से कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की। देखो बेटा कैसे बना रहा हूं मैं, बहुत बड़ा नहीं बनाना बेटा, छोटा सा बनाना, बीच में कॉपी के बीच में बनाना, छोटा सा बनाना, बड़ा नहीं। इतना हो गया, आगे देखो, कंप्लीट करो, इतना कंप्लीट करो, आगे देखो। ये देखो बेटा ऐसे है, ये मैंने जो दोनों चीजें बनाई हैं ये हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है ये। ठीक है, इतना हो गया, आगे देखो, इधर देखो बेटा, कुछ ऐसे बनाओ, इतना बनाओ, कंप्लीट करके फिर इतना कंप्लीट करके मुझे बताओ, मैसेज करो बेटा डन। ये मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन है। ठीक है अनेश, हो गया है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो बच्चे, इधर देखो, ये वाला जो इधर पार्ट बनाया मैंने, इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूं। इस वाले पार्ट को देखो कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे इसको बस मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ऐसे कर लो, कंप्लीट करो इसको। ये हमारा हो गया बच्चे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हो गया, अभी हमें फोर ब्रेन बनाना है। ठीक है, कंप्लीट करो इतना। ठीक है, इतना हो गया। मिड ब्रेन को थोड़ा सा कलर इसमें कर देता हूं अलग से, पता चले ताकि, ठीक है, थोड़ा सा अलग से पता चले कि यहां मिड ब्रेन है यहां पे। ठीक है, इतना हो गया। तो ये लास्ट वाला पार्ट सबसे ध्यान से देखो, इधर ये देखो बच्चे, अब मैं पूरे के पूरे ब्रेन को कवरिंग कर रहा हूं। देखो बच्चे ऐसे कर रहा हूं, देखो किस तरह से, यहां से कुछ ऐसे कवर कर दिया है, कवर कर लो। ठीक है, हो गया है। अब देखो बच्चे आगे, ठीक है, अब देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे, ठीक है, अब देखो बच्चे इधर, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में मेनली जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो कैसे मैं बना रहा हूं सेरिब्रम, मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ऐसे लाइनिंग मैंने बनाई है, सिर्फ इतना कंप्लीट करो।
ठीक है डन। ठीक है संचिता हो गया, आगे देखते हैं। ठीक है इतना हो गया सबका। ठीक है फरहान आगे देखते हैं। बच्चे देखो ध्यान दो इधर, ये मैंने जो आउटर बनाया, ये वाला जो आउटर बनाया, ये हमारा फोर ब्रेन है, ये हमारा मिड ब्रेन है, और नीचे का पूरा पोर्शन ये हमारा हाइंड ब्रेन है। तीन पार्ट्स थे। इसके अलावा हमें इसमें बच्चे शो करना है मेनिंजेस और स्कल, हमारा क्रेनियम, इसको बना लेते हैं। मैं एक लाइन यहाँ पे आउटर लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूं, और ये लाइन मैं दिखा रहा हूं मेनिंजेस की, ये लाइन मैं दिखा रहा हूं, ये हमारी हो गई मेनिंजेस। अभी इसमें एक लाइन और मैं ड्रॉ करूंगा, वो मैं बना देता हूं स्कल, स्कल बना दूंगा। ठीक है ठीक है, ये लाइन सबकी ड्रॉ हो गई होगी। अब इधर देखो बच्चे ध्यान से, जैसे कि देखो बच्चे इधर कि हमारा जो स्कल है, हमारा स्कल है ठीक है, तो हमारे स्कल में जो बोन्स है इसको हम बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल बोन, ये हमारी क्रेनियल बोन है। और क्रेनियल बोन के आगे ये हमारी आ जाती है फेशियल बोन्स, हमारी फेशियल बोन्स आ जाती है। ऊपर हमारी क्रेनियल बोन्स है, फेशियल बोन है ठीक है। तो मैं देखो बच्चे कैसे बना रहा हूं, आप एनसीईआरटी में भी डायग्राम देखना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्रेनियम, हमारा स्कल, ये मैंने थर्ड लेयर बनाई है, और स्कल को आगे कुछ इस तरह से मैं एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारी फेशियल आगे की बोन्स है ठीक है। नाक वाली इस तरह से बोन्स मैंने दिखा दी, फेशियल बोन है, ये हमारे ब्रेन में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम कुछ दिया हुआ है ठीक है। तो ये एक तरह से हमारी फेशियल बोन्स है। इतना हो गया, सब लोग ड्रॉ कर लो एक और लेयर, आउटर लेयर एक और ड्रॉ कर लो। इसकी लेबलिंग करते हैं बच्चे, इसकी लेबलिंग कर लेंगे, देखते हैं कौन सा पार्ट क्या चीज है। ठीक है इतना हो गया सबका डन। ठीक है गरिमा, राहुल हो गया, दीपक, आदित्य हो गया, ठीक है हो गया सबका। ठीक है अब देखो लेबलिंग करते हैं, तो ये वाला मैंने बताया कि ये है हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन है ये, और ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन ये हमारा फ्रंट ब्रेन है ठीक है, फ्रंट ब्रेन है। और हमारे हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं। इधर देखेंगे बच्चे ध्यान से, लिखना नहीं अभी, ये देखो इधर देखो सारे बच्चे, लिखना नहीं। तीन पार्ट्स हैं हमारे हाइंड ब्रेन में, एक पार्ट है बच्चे इसको हम बोलते हैं पोन्स, एक सेकेंड पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं मेडुला, और ये एक थर्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सैरी विलम। और ये तीनों पार्ट्स मिलके बनाते हैं हाइंड ब्रेन। कंप्लीट करो इतना। हो गया बच्चे, हो गया इतना। ठीक है डन। हमारे हमारे बच्चे जो फ्रंट ब्रेन है, हमारा जो फ्रंट ब्रेन है, फ्रंट ब्रेन में
ये जितना भी मैटर है फ्रंट ब्रेन में जो भी मैटर भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं ये है हमारा क्या सेरिब्रम, ये है हमारा सेरिब्रम, सेरिब्रम है ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अंदर वाली लेयर है मेनिंजियल और सबसे आउटर लेयर है हमारा स्कल और इसी को हम बोलते हैं, इसी को ही हमने नाम दिया है क्रेनियम, मेनिंजियस है और क्रेनियम है। ठीक है हो गया सबका। और तो ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है, इजीली बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं, अभी मैं आपको सिखा रहा था काफी टाइम लगा, आप जब बनाओगे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, उसमें मार्क्स नहीं होंगे, आपके इसमें भी आ जाएगा अगर किसी यूनिट टेस्ट में तो उसमें भी आपको पूरे मार्क्स उसमें गेन करने हैं। चलो बच्चे इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब जो हम पढ़ेंगे तो उसको आप डायग्राम से आपने जो बनाया है उसमें आप देखेंगे ठीक है। हमें बेटा मेनली अब पढ़ना है, हमें एक एक करके पढ़ना है बच्चे, फ्रंट ब्रेन, फिर हमें पढ़ना है मिड ब्रेन और फिर हमें पढ़ना है हाइंड ब्रेन, एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट फर्स्ट पार्ट पे अपने फ्रंट ब्रेन पे। तो ये जो फ्रंट ब्रेन है, फ्रंट ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है ठीक है, फ्रंट ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और फ्रंट ब्रेन में पूरा का पूरा जो भरा हुआ है वो हमारा है सेरिब्रम ठीक है। एक पॉइंट लिखते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आवाज आ रही है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है ये। इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा कि फ्रंट ब्रेन में जो भी चीजें फिल है वो है हमारा क्या है, वो हमारा सेरिब्रम है ठीक है, सेरिब्रम फील्ड है हमारा फ्रंट ब्रेन में। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है इसमें पूरा फील्ड होता है सेरिब्रम से, और जो सेरिब्रम है देखते हैं फंक्शन क्या है। बच्चे आपको मेनली जो चीज याद रखनी है वो फंक्शन है, फंक्शन आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंक्शन क्या है सेरिब्रम का या सेरिब्लम का या मिड ब्रेन का या फिर पोन्स या मेडुला, आपको मेनली फंक्शन याद रखना है ठीक है। जो अभी तक मैंने बताया ये सब जनरल है बेटा, ये आप किसी को एक दो बार बताओगे याद हो जाएगा, आपको जो खुद से एग्जैक्ट याद करना है वो यही याद करना है कि सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, सेरिब्लम का, मेडुला का ठीक है। तो हमें मेनली फंक्शंस याद करने हैं, अलग अलग पार्ट्स के क्या फंक्शन है ठीक है। मैं इधर देखता हूं फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम में इसके जो फंक्शन है तो इसके फंक्शन होते हैं जैसे कि हमारे सेरिब्रम जो है वो हमारे हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, क्या कितनी चीजें हमें याद रहती है तो सेरिब्रम में ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम इसको। हमारे जो विजुअल प्रोसेसिंग है मतलब कि हमने क्या देखा और
उसको हम क्या समझ रहे हैं, तो विजुअल प्रोसेसिंग में भी ये काम करता है, और हम क्या सुन रहे हैं उसमें भी ये ऑडिटरी कंट्रोल भी ये करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टेस्ट, हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। लिख देते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग ऑडिटरी एंड टेस्ट, ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई एंड लॉजिक एंड रीजनिंग एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीजों को ये रेगुलेट करता है। तो ये फ्रंट ब्रेन में इतना ही है, फ्रंट ब्रेन में हमारे लार्जेस्ट पार्ट है हमारा सेरिब्रम, जो उसके ये सारे फंक्शंस होते हैं। हाँ, कॉर्टेक्स और सेरिब्रम बच्चे सेम है, ब्रेन कॉर्टेक्स या सेरिब्रम एक ही बात है। ठीक है, इतना हो गया है। ये हमने पढ़ा फ्रंट ब्रेन, फ्रंट ब्रेन के बाद आ जाते हैं अपने मिड ब्रेन पे। सेकंड पार्ट है हमारा ब्रेन का बच्चे, मिड ब्रेन। जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन हमारे फ्रंट ब्रेन को, मिड ब्रेन हमारे फ्रंट ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को, फ्रंट ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। ठीक है, इसका कोई पार्ट तो है नहीं फर्दर, इसमें लिख देता हूं इट कनेक्ट्स फ्रंट ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फ्रंट ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो मिड ब्रेन है, ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल्स सम इनवॉलंटरी एक्शंस, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को भी ये रेगुलेट करता है। हाँ, हाइंड ब्रेन मतलब बैक ब्रेन। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना डन। आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे ब्रेन के, जो कि हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के बच्चे तीन पार्ट है हमारा, पोन्स, सेरिबलम और मेडुला। एक एक करके देखते हैं कि हाइंड ब्रेन में तीनों जो पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के, उनके क्या काम है। हाइंड ब्रेन के अंडर में तीन पार्ट्स आते हैं, सेरिबलम, मेडुला और पोन्स। इसके अंडर में जो फर्स्ट पार्ट आता है सेरिबलम, सेरिबलम का मेन काम होता है हमारे बॉडी पोस्चर को, किस तरह से हम खड़े हैं, हमारे बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी बैलेंस को, इन चीजों को ये मेनली कंट्रोल करता है सेरिबलम। इसके अंदर फर्स्ट है सेरिबलम, इट कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर, मूवमेंट्स एंड
बॉडी बैलेंस, तो इन चीजों को सेरिब्लम हमारा कंट्रोल करता है, इन चीजों को रेगुलेट करता है। ठीक है, लिख लिया इतना। इसके बाद आ जाते हैं सेरिब्लम के बाद आ जाते हैं पोन्स पे। तो जो पोन्स होते हैं हमारे, वो जो पोन्स है वो पोन्स हमारे हाइंड ब्रेन को और फोर्थ ब्रेन को कनेक्ट भी करते हैं, और साथ में ही जो पोन्स हैं वो कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पोन्स, पोन्स में लिख लेते हैं। सेकंड है पोन्स। पोन्स जो है ये कनेक्ट फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन controls some involuntary actions को भी ये control करता है। इतना हो गया। आ जाते हैं hind brain के last part में, जिसका नाम है मेडुला। लास्ट पार्ट हाइंड ब्रेन का मेडुला। मेरा शुभम लैपटॉप का चार्जर। आ जाते हैं हाइंड ब्रेन के लास्ट पार्ट पे, इसका नाम है मेडुला। पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। ये जो मेडुला है ये मेनली हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, तो ये मेडुला करता है। तो मेडुला में लिख लेते हैं, इट कंट्रोल्स involuntary actions like coughing, sneezing, vomiting। तो ये हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को लाइक, और भी जैसे हमारा हार्ट बीट को रेगुलेट करना, ब्रीदिंग, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है, ब्लड प्रेशर, तो इन सब चीजों को ये कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, yawning, तो बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। और इसके अलावा अगर आप जो आपने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में देखोगे बच्चे, तो जो मेडुला है, तो जो मेडुला है लास्ट पार्ट, वही मेडुला आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। मेडुला एक्सटेंड होता है तो आगे स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। ठीक है, वीडियो ब्लैंक हो गई है, अब सिम बदल देना आज के बाद। तो लास्ट पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट लिख देता हूं, कि मेडुला आगे एक्सटेंड होता है और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, it extends to form spinal cord
और स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेनली रिफ्लेक्स एक्शन में काम करता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड विच कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस, जो कि रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन ब्रेन खत्म हो गया बच्चे, ब्रेन में इतना ही था। ब्रेन के हमने तीनों पार्ट्स देखे, ठीक है, और तीनों पार्ट्स को हमने डीप में अंदर पढ़ा, एक्सपेंड करके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है सबका। ब्रेन के बाद अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक छूट गया हमारा, इसको भी कंप्लीट करते हैं बच्चे, ध्यान दो। एक टॉपिक छूट रहा है ब्रेन में, अभी आपने पूछा तो याद आया। देखो इधर, ब्रेन में हमने, ब्रेन जो है हमारा बच्चे, ब्रेन को हमने डिफरेंट लोब्स में, इनको हमने ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, लोब्स ऑफ ब्रेन, एक अलग से टॉपिक लिखो बच्चे, लोब्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन को जो ब्रेन है हमने इसको डिफरेंट लोब्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, चार लोब्स में हमने मेनली ब्रेन को डिवाइड किया है। ऐसे साइड में बच्चे के ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि अगर इस तरह से था तो देखो, एक हमने दिया हुआ है, एक है हमारे पास फ्रंटल लोब के बाद सेकेंड है हमारा पैराइटल लोब, फिर थर्ड है हमारा इधर ऑक्सीपिटल लोब, और नीचे की साइड पे है हमारा टेम्पोरल लोब। तो हमने ब्रेन को फोर लोब्स में डिवाइड किया हुआ है, ये चार लोब्स हैं ब्रेन के, फ्रंटल लोब, टेम्पो पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, चार लोब्स में मेनली हमने ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं इनके क्या काम है। फर्स्ट है फ्रंटल लोब। ये जो फ्रंटल लोब है ये हमारे मेनली शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है, मेनली हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को और सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी ये कंट्रोल करता है। एक पॉइंट लिख देता हूं, कंट्रोल्स शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब है कि फ्रंटल लोब किसी का खराब हो जाएगा तो वो गजनी बन सकता है, ठीक है, तो ये फ्रंटल लोब का काम है। नेक्स्ट है हमारा पैराइटल लोब मेनली हमारे विजुअल सिस्टम को कंट्रोल करता है, टच, टेम्परेचर, पेन, स्किन से रिलेटेड स्टिमुलस को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैराइटल लोब। जो सेकेंड है पैराइटल लोब कंट्रोल्स टच इट कंट्रोल्स टच पेन, इट सेंसेस टेम्परेचर,
तो ये पैराइटल लोब का काम है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब हमारा मेनली विजुअल परसेप्शन में काम करता है, हम क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं उसमें मेनली ये काम करता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन इज ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारे काम करता है हेल्प्स इन विजुअल परसेप्शन, क्या देख रहे हैं क्या समझ रहे हैं उस पे ये काम करता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब। और फिर लास्ट है हमारा टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब है ये टेम्पोरल लोब हमारे मेनली हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे लैंग्वेज को रेगुलेट करता है ये। ठीक है, लास्ट वाला जो है टेम्पोरल लोब। लास्ट है टेम्पोरल लोब कंट्रोल्स इमोशंस, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है टेम्पोरल लोब। और जो टेम्पोरल लोब है ये हमारे लैंग्वेज को भी रेगुलेट करता है। क्या पूछ रहे हो कि हाँ ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है, बिल्कुल सही है, जब ही हमारे विजुअल परसेप्शन को ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स इमोशंस लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको मेनली अगर क्वेश्चन आएगा लोब से रिलेटेड तो आपको नाम पूछे जाएंगे, इसके अंदर में आपको क्या फंक्शन है ये कम पूछा जाएगा, आपको मेनली चारों नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ ब्रेन तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले। ठीक है, इतना कंप्लीट है, ब्रेन अब पूरी तरह से इधर खत्म। एक और लोब होता है बच्चे, आपने शायद सुना हो, एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब हमारे स्मेल को सेंस करता है। ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल में हेल्प करता है। ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये ह्यूमंस में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, कुछ एनिमल्स में बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड होता है ऑल्फैक्टरी लोब, जैसे डॉग्स है, एलिफेंट है, तो वहां पे हमें जो ऑल्फैक्टरी लोब है जो स्मेल में हेल्प करता है, स्मेल को सेंस करता है, वो काफी डेवलप्ड मिलता है। तो मैं एक और लिख देता हूँ, इतना तो कंप्लीट हो गया सबका, रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, रब कर दूं, सम्यक हो गया, बच्चे लेट हो जाते हो, रब कर दूं, सम्यक बताएगा, बस सम्यक रब कर। ठीक है, एक और लिख देता हूं, ऑल्फैक्टरी लोब, फिफ्थ एक और लिख देता हूं, ऑल्फैक्टरी लोब हेल्प्स इन सेंस ऑफ स्मेल नॉट हाईली डेवलप इन ह्यूमंस में हाईली डेवलप नहीं होता है। और पूरा टॉपिक तो मैं आपको हाफ एन आवर बचे हैं तो पूरा टॉपिक तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा हाफ एन आवर में, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ कोई दूसरा टॉपिक उठाते हैं। हम बच्चे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नर्व सेल के बारे में, न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेडिंग देखो बच्चे, न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है ये हमारा बॉडी का मैसेंजर है, जैसे फेसबुक का मैसेंजर होता है ऐसे हमारी बॉडी में मैसेंजर है जो, इसका नाम है न्यूरॉन, ये हमारा नर्व सेल है न्यूरॉन। एक पॉइंट लिख देता हूं, एक्ट्स
एज अ मैसेंजर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मैसेंजर की तरह काम करता है। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली के तार छुआ देंगे तो काम करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि है ना इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट कर दिया तो काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पे आयंस की बॉडी में, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आयंस होते हैं उनकी मदद से ये काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेक करने लगे कैसे काम कर रहा है, उंगली डाल लेते हैं आज सर्किट में, देखते हैं क्या हो रहा है, न्यूरॉन कुछ कर पा रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, इधर देखते हैं बच्चे। देखो डायग्राम आप सबको ही पता होगा, जिसको नहीं पता है नर्व न्यूरॉन का डायग्राम तो 10th क्लास में कभी कभी बच्चे क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ कर देगी। न्यूरॉन बना लेते हैं, इधर देखो बच्चे बहुत आसानी से कैसे बना रहा हूं मैं। ठीक है ऐसे, और इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग या एक्सॉन बल्ब। ये पार्ट है हमारा डेंड्राइट, ये पार्ट है हमारा साइटोन या साइटोप्लाज्म, ये आपको पता है ये है न्यूक्लियस, और ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग बनाई है कहीं कहीं पे, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। इसका नाम है माइलिन शीट, और माइलिन शीट के बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं नोड्स, नोड्स ऑफ रेनवियर, और जो लास्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन बल्ब। कंप्लीट करो और ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है हमारा, देखो जरा देखो एक बार, ये पूरा पार्ट है हमारा, ये पूरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। कंप्लीट करके मैसेज करो, फिर थोड़ा बताता हूं इसके बारे में। ठीक है दीपक, दीपक समझ में आ रहा है? पहली बार शायद क्लास ले रहे हो बच्चे, समझ में आ रहा है यस और नो बताना क्या बता रहा हूं मैं। दीपक को समझ में आ रहा है, ठीक है, ब्रेन है लग रहा है आप पे, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास दिमाग ब्रेन है ही नहीं, ऐसा तो शायद नहीं है कोई।
ठीक है, हो गया, सब बच्चों का हो गया है। ठीक है, सब में क्या कह रहे हो, किसके पास नहीं है। चलो ठीक है, इतना हो गया है। अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। बच्चे देखो ध्यान से, अब जो मैं बताऊंगा वो आपको नोट नहीं करना है, समझना है सिर्फ, ध्यान से समझेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूरॉन कौन कौन से तरह के होते हैं बॉडी में। बच्चे कुछ न्यूरॉन होते हैं ना जिनमें हमें ये माइलिन शीट नहीं मिलती है। ये माइलिन शीट जो है, माइलिन शीट, ये बाहर की जो कवरिंग है, माइलिन माइलिन शीट कुछ न्यूरॉन्स में नहीं मिलती है। तो जिन न्यूरॉन्स में ये माइलिन शीट नहीं मिलती है उसको हम बोलते हैं नॉन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसमें हमें ये मिलती है तो इसको वाले को हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, इनका अपना अपना फंक्शन होता है, नॉन माइलिनेटेड का और माइलिनेटेड का। हमें ऐसा दिखता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है ये ज्यादा तेज काम करता है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसके अलावा बताता हूँ बच्चे, देखो ध्यान से, ये तो बना लिया, इसी को रब कर देता हूं। ठीक है बच्चे, आपको पता होगा, देखो क्या होता है, न्यूरॉन हम पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन में एक पॉइंट तो आप बता देता हूं कि जैसे ये न्यूरॉन है तो ये हमारी बॉडी में, मान लिया कहीं पे न्यूरॉन लगा है, उसी के जस्ट बाद ऐसा ही एक दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ होगा। ऐसा ही एक, ये बनाना नहीं, ये मैंने एक और न्यूरॉन इधर लगा दिया कि एक और न्यूरॉन यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, साइनेप्सिस। आपने शायद 9th क्लास में भी पढ़ा हो और 10th क्लास में भी एक या दो मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके यूटी में या आपके एलडी में क्वेश्चन आ जाएगा कि साइनेप्सिस क्या होता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो लूज कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। एक पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट कैसे लिख लेते हैं बच्चे, लिख लो साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है, गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब देखो क्या करता है, कैसे क्या काम करता है न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन को वैसे तो हमारे, देखो बच्चे हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं उनको भी हमारे ब्रेन के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स को एक्शन मिलता है कि मूवमेंट शो करना है या कुछ भी करना है, तो वॉलंटरी एक्शंस पे भी न्यूरॉन हेल्प करते हैं, और जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उसमें भी न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्स आर्क एक्शन पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। रिफ्लेक्स आर्क एक्शन एक इनवॉलंटरी एक्शन है बॉडी का जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। थोड़ा बहुत चीजें आपको इसके बारे में पता है पहले से भी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चे देखो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, जो सेंसरी ऑर्गन है, आई ईयर नोज स्किन टंग, जो हमारे ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स चीजों को सेंस करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बच्चे ये हमारी एक, ये हमारी स्किन का सेल है, ये एक सेल है, ये हमारी स्किन का सेल है। इस स्किन के सेल में मैंने कोई स्टिमुलस दिया है, स्टिमुलस यहां पे दिया है मैंने, यहां पे हॉट स्टिमुलस दिया,
यहाँ पे मैंने एक हॉट स्टिमुलस दिया है, कोई गर्म चीज यहाँ पे हमारे स्किन में सेल में टच हुई है। तो जैसा कि हमारी स्किन तो एक सेंसरी ऑर्गन है, तो हमारी स्किन के जो सेल्स हैं ये सेंस कर रहे हैं, इन्हें हॉट स्टिमुलस मिला है, हॉट स्टिमुलस को इन्होंने सेंस किया है। हॉट स्टिमुलस को जब ये सेंस करते हैं तो ये स्किन का सेल सिग्नल रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल्स। इस स्किन ने जैसे स्टिमुलस को रिसीव किया तो स्किन के सेल ने कुछ केमिकल रिलीज किया। स्किन के सेल ने इसने केमिकल रिलीज किया है, और ये जो केमिकल इसने रिलीज किया है, ये जो केमिकल इसने रिलीज किया है, इस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो स्किन सेल को जब हॉट स्टिमुलस मिला तो इसने केमिकल रिलीज किया है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज किए हैं। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, अब इधर देखो, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, ये जो केमिकल्स है, इस केमिकल को ये जो न्यूरॉन है ये अपने डेंड्राइट वाले पार्ट से इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिसीव करता है। ठीक है, जो न्यूरॉन लगा हुआ है ये न्यूरॉन अपने डेंड्राइट वाले पार्ट से इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर रहा है। ये न्यूरॉन इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर रहा है। ये वाला न्यूरॉन बच्चे सेंस कर रहा है कि क्या हुआ है, इसलिए इस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, ये न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो सेंस कर रहा है कि स्किन में क्या इफेक्ट हुआ है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन अपने डेंड्राइट वाले पार्ट से इसने न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव किया, और ये डेंड्राइट से साइटोन में उसको सेंड करेगा, साइटोन से वो एक्सॉन में ट्रेवल करेगा, एक्सॉन से वो एक्सॉन बल्ब में आ जाएगा, एक्सॉन एंडिंग में आ जाएगा, एक्सॉन एंडिंग के बाद वो रिलीज हो जाएगा सिनेप्सिस में, उस गैप में, और उसके बाद उस न्यूरोट्रांसमीटर को जब यहाँ पे वो गैप में आ जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरा एक्सॉन, दूसरा जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट रिसीव कर लेंगे, फिर वैसे ही वो आगे सेंड होता चला जाएगा एक के बाद दूसरे 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 न्यूरॉन में। ये तब तक होता रहेगा जब तक वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ना पहुंच जाए। जब तक वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ऐसे एग्जैक्ट टोटल नहीं बता सकते, बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, तो ऐसे ये इधर जा रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन वो मैसेज लेके पहुंचा है कि क्या हुआ है स्किन के साथ। अब इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड बताएगा एक दूसरे न्यूरॉन के थ्रू, ये कौन न्यूरॉन लगाया, ये वाला न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज देगा उस मैसेज को लेके जा रहा है वापस हमारे स्किन के पास, हमारे स्किन में जो मसल्स हैं उसको ये एक रिएक्शन, जो एक्शन हुआ था उसका रिएक्शन बताएगा ये वाला न्यूरॉन।
ये वाला न्यूरॉन रिएक्शन को बता रहा है, रिएक्शन को लेके जा रहा है, इसलिए इस न्यूरॉन का नाम है मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन रिएक्शन को लेके जाएगा हमारे कहां पे, ये लेके जाएगा हमारे मसल्स में, और मसल्स वो रिएक्शन शो करेंगे। थॉट स्टिमुलस था तो मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हमारा जो हाथ है वहां से थॉट स्टिमुलस से हट जाएगा। मसल्स क्या करेंगे, उस हॉट स्टिमुलस से हटाएंगे हाथ को, मतलब कि ये मसल जो है ये शो करेंगे इफेक्ट, ये इफेक्ट शो करेंगे। बच्चे मैं आपको ना, मैं आपको यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं समझाना चाहता था, मैं आपको मेनली बताना चाहता था कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है और मोटर न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करता है और मोटर न्यूरॉन जो उस सेंस के लिए रिएक्शन लेके जाता है, उसको हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, एक बार यस और नो बताना मुझे। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन क्लियर है? ठीक है नीलाक्षी, ठीक है बच्चे, ठीक है। किसी पे कुछ डाउट है तो पूछो, किसी पे कुछ डाउट है तो पूछो एक बार, और नहीं तो फिर अभी के लिए इतना है। आज हमने मेनली बच्चे ब्रेन की स्टडी करी है, आप बुक से रीडिंग करना जरूर। ब्रेन मैंने अपनी तरफ से बेटा खत्म कर दिया है, आप भी उसको पढ़ें, अपनी तरफ से खत्म करें। कोई डाउट आता है तो डाउट बताएं। किसी कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अगर अभी कोई डाउट नहीं बच्चे, ब्रेन पढ़ना घर पे। चलो डाउट आ रहा है सर, व्हेन यू टच एनी वॉर्म थिंग सो वी विल सेंस इट इन। हाँ स्पाइनल कॉर्ड से ही हम, स्पाइनल कॉर्ड से हम उसको सेंस करते हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरे के पूरे रिफ्लेक्स एक्शन को, जो इनवॉलंटरी एक्शन है, सडन एक्शन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसको रेगुलेट करता है। और सिर्फ एक मैसेज जाता है ब्रेन के लिए, एक ब्रेन में हमारे मैसेज, एक मेमोरी वहां पे स्टोर हो जाती है ब्रेन में कि हमने ऐसा किया था, तो इसको वो गर्म था, मतलब वो पूरा का पूरा जो भी हुआ उस टाइम पे, वो सारा का सारा मेमोरी बन जाती कि आगे के लिए हम सावधान रहे। लेकिन उसको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। अब जो टेस्ट होगा अगर, तो वो आपका टेस्ट इस पे ही होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे होगा। जैसे चैप्टर खत्म होता है तब आपका होगा।